आप पला करतूत अतनी की आपे जाने अपने जी की। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत, मसला उही है जेड़ा पिछले महीने तो बड़ा चर्चा का विषय है, जिस मसले दे नाल हर सिख का दिल दुखदा है, भावें वह देश बैठा है भावें विदेश बैठा है, कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहदी जिम्मेवारी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की चाकरी करनी, जिहदी जिम्मेवारी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा संभाल करनी, उस श्रोमणी कमेटी ने गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल एक दगा कमाया, एक धोखा दिता कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के रामसर साहब वाली प्रेस के 267 सरूप जड़े ने वह खुरद बुरद कर दते रिकॉर्ड के विचों, और जिन्ह का कोई पता नहीं वह कितने चले गए। ह्यूमन राइट ऑर्गनाइजेशन कमलजीत सिंह द्वारा यह गल बाहर आई, उस तो बाद श्रोमणी कमेटी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिदे डॉक्टर रूप सिंह जी और भाई रजिंदर सिंह मेहता, एक मौजूदा मुख सकत्र ते एक मौजूदा मीत प्रधान, उन्होंने बयान दिता कि 267 सरूप साढ़े रिकॉर्ड के विचों गायब ने। हालांकि मैं रामसर साहब वाली की बेअदबी की गल हूँ दुबारे नहीं करनी चाहता, मैं इस विषय के कुछ सवाल जिहड़े तुहाडे सन्मुख रखने चाहना। एक मौजूदा मीत प्रधान ते एक मुख सकत्र यह गल कहिंदा है कि हाँ यह गल बिल्कुल ठीक है, साढ़े 267 सरूप रिकॉर्ड के विचों है ही नहीं गुरु ग्रंथ साहब के सरूप गैप ने, जिन्हों हिंदुस्तान टाइम के बड़े बड़े अखबारों के जिन्ह ने लिखा कि श्रोमणी कमेटी ने यह गल एडमिट कर ली। उस तो बाद रौला पिया, आवाज़ उठी, तो अकाल तख्त श्रोमणी कमेटी ने एक जांच कमेटी बनाई, वो जांच कमेटी कोई रिस सिटा ना कढ़ सकी, मुड़ के श्रोमणी कमेटी ने यह गल अकाल तख्त साहब वालों तकी, फिर अकाल तख्त साहब के थ्रू एक सबका जज निमिता सिंह जिन्होंने यदा कमिशन नियुक्त किया जांच कर, उन्होंने सहायक लाए भाई ईश्वर सिंह जो कि तेलंगाना तो ने, उन्होंने बारे दस्या गया कि वो उतों के हाई कोर्ट के एडवोकेट ने। सवाल तो उदों भी बड़े उठे कि कोई पंजाब दे विच नामवर गुरबाणी रसिया रिटायर्ड सिख जज नहीं मिलिया, कोई चंगा वकील नहीं मिलिया कि जिहड़ा श्रोमणी कमेटी नूं जां ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी नूं ओह बिल्कुल आंध्रा प्रदेश के कोने दे विच जाके एक वकील उतों लैके आए। पर असल विच जिहड़ी गल दी शक सी, गल वो हुण सामने आ रही है कि यह तेलंगाना तो यह वकील साहब नूं क्यों लैंदा गया, क्योंकि हुण कल जथेदार भाई रणजीत सिंह जी ने एक खुलासा किया कि भाई ईश्वर सिंह ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे एक निजी दोस्त ने, इन्हां दा आपस विच बड़ा प्यार है, तो उहदे नाल ही वह गल शक दे विच इसलिए बदल गई क्योंकि एकदम जिहड़े जज नियुक्त किए सी उन्होंने ये कह के कि मेरी एक घरेलू मजबूरी है, मैं इस कमिशन दे जज दे रूप विच इहदी जांच नहीं कर सकदी। हैरानी वाली गल है कि जदों जज साहिबान नूं नियुक्त किया, जे उन्हां नूं कोई एड्डी घरेलू मजबूरी हुंदी तां उह उसे दिन जवाब दे सकदे सी। इत्थे सवाल पैदा होए ने कि जां तां कोई उन्हां ते दबाव ऐसा बनाया ते जां फिर उन्हां ने देख लिया कि जो इह गंद पिया होया तां उन्हां ने अपने आप नूं इह तों इस श्रोमणी कमेटी दे इस प्रबंध तों अपने आप नूं वख करन दा निर्णा लिया, क्योंकि उन्हां ने चाहिया कि मैं इहदे विच ना कोई चर्चा का विशा बना, ये ए बी सी डी कोई भी कारण हो सकते हैं, पर ये एक शक उदों प्रफुल्लित हो गई कि हुणे वाकई अकाल तख्त साहब के थ्रू इस गलू दबाया जाएगा कि जदों उस जज साहब के नाल भाई ईश्वर सिंह जिहड़े एक हैल्पर लाए सी ते असी अखबारां पढ़ियां कि उन्होंने ही जज नियुक्त कर दिता, तो दूसरा वो ज्ञानी केवल सिंह की अकाल पुरख की फौज के सरगर्म मैंबर, तो इस करके असं यह भी देख रहे हैं कि ज्ञानी केवल सिंह थोड़े थोड़े मामलों के उत्ते बड़े बड़े बयान दिंदा, पर 267 सरूप वाले मामले ते मैं हजे तक उन्हां दा बयान जिहड़ा नहीं पढ़िया, तो उन्होंने कितने दिता होवे तो मैं कह भी नहीं सकता इसलिए, पर अजे तक असी किसी अखबार के विच जां फेसबुक ते यह बयान नहीं देखिया। तो यह एक कड़ी जुड़ गई। हुण इहदे नाल एक बड़ी इंट्रस्टिंग गल जिहड़ी सामने आई है वह यही आ कि श्रोमणी कमेटी का मौजूदा प्रधान भाई रजिंदर सिंह ते मौजूदा सकत्र भाई रूप सिंह कहिंदे ने कि 267 सरूप साढ़े गैब ने, पर दूजे पासे श्रोमणी कमेटी के प्रधान दे पीए, मैनू उन्हां दा पूरा नाँ तां पता नहीं, उन्हां नूं आली साहब कहिंदे ने, बड़ा मशहूर है आली नाँ, बड़ा कोई ताकतवर इह कोई सकत्र है जिहड़ा मुलाजमान दीआं बदलियां वगैरह भी करदा, एक दो वारी मेरी भी टैलीफोन ते गल हुई है पर मैं उन्हां दा नाँ नहीं जाणदा। उन्हां दी इक इंटरव्यू जिहड़ी है ओ सुनी है, हुण ओ
हरप्रीत सिंह मखू नूं उन्हां ने इंटरव्यू दित्ती आ, उहदे विच उन्हां ने कहा है कि जी श्रोमणी कमेटी तां इह मन्नदी नहीं कि साडे रिकॉर्ड दे विचों 267 सरूप गायब ने। इह तां कमलजीत सिंह कहिंदा है। हैरानी वाली गल है कि जे कमलजीत सिंह कहिंदा है, कमलजीत सिंह झूठ बोलदा है, फिर थोड़ी श्रोमणी कमेटी ने उहनूं 5 लख दा नोटिस क्यों दित्ता? तुसीं उहदे ते उहनूं हरजाना क्यों पाया? तुसीं उहदी जांच वास्ते उहनूं क्यों लिखिया? भाई रणजीत सिंह जी ने एक इंकसाफ पिछले दिन किया कि 267 सरूप की छपाई चल रही है, जिदे 125 सरूप इन्होंने छाप ले, जिहड़ा आने वाले दिनों में यह कह के मिट्टी पा देना कि जी ये कलैरिकल मिसटेक सी, लेजर बुकों के उत्ते नहीं चढ़ सकिया, इस करके अजिही कोई गल नहीं। उहदे दो बयान तुसीं देखो, एक पासे मौजूदा सकत्तर ते मौजूदा मीत प्रधान, जां तां उन्होंने सिख कौम दे नाल कुफर तोलिया, झूठ बोलिया, जां इन्हां दा हुण जिहड़ा मौजूदा सकत्तर जो भी है आली साहब जिन्हें यह गल कही है कि श्रोमणी कमेटी तां मंनदी नहीं, जां फिर यह कुफर तोल रहा है, तो इस करके उत्थे सचो ही सच निबड़ा, चुण वख कढ़िया जज मालिया। ये जिन्ना मर्जी तुसीं झूठ बोल लो, जिन्ना मर्जी तुसीं पाप ते परदे पा लो, ये पाप ते परदे पैणे नहीं, ये उजागर होणगे। सो खालसा जी, एक जिहड़ा सब तो वड्डा फैक्ट है जिहदे विच ईश्वर सिंह की भूमिका ते वड्डे सवाल पैदा होए ने, मान लो कि ईश्वर सिंह एक साबका जथेदार हजूर साहब उन्हां दे बेटे ने, एक इंटरव्यू दे विच मैं उन्हां नूं ये गल कही सी कि लेखा देना सोहेला जो दिल सूची होए, उस साचे दी बाण मह पल्ला ना पकड़ा, कोई कबीर साहब ये गल कहिंदे ने, उत्थे सच दा नबेड़ा होना, जे इत्थे पर्दा पाता उस परमात्मा की दरगाह दे विच की मूँह दिखाओगे। उन्होंने कहा सी मैं गुरु नूं हाजिर नाजर जाण के कहना कि मैं बिल्कुल भी इहदे विच कोई पक्षपात नहीं होगा, पर मैं यह सवाल सिख संगत की चरणा विच रखना चाहुंदा कि जदों ईश्वर सिंह जांच करन वास्ते बैठदा उहदे नाल दो श्रोमणी कमेटी के ताकतवर सकत्तर बह जांदे ने। हुण मैनू दसो कि जिहड़े ड्राइवरां नूं तनखाहां, जिहड़े ड्राइवरां दीआं नौकरियां उहनां सकत्तरां दे हथ विच ने, उहनां दा जदों चाहुण उह गल बढ़ सकदे ने, ते उह ड्राइवर कदे कोई सच बोल सकदे ने उहनां दे सामणे? ते इहदा मतलब उहनां नूं जिवें पिछों पढ़ा के लिया आएगा, वह उत्थे बयान देंगे, उन्हां बयानां दी रिकॉर्डिंग हुंदी आ, ते कल नूं फिर एक प्राइवेट चैनल जिहड़ा एक परिवार दा, उहदे ते इह लगातार उन्हां दे बयान दिखाए जाणगे सच्चे होण वास्ते कि नहीं जी जो भी लोग बोल रहे ने साडे वर्गे ये झूठ बोल रहे ने, ये गलत इल्जाम तराशी कर रहे ने। इस लई हुण मैं ये गल तुहाडे सामने आ गई कि एक पासे मौजूदा प्रधान ममीत प्रधान ते मुख सकत्तर कहिंदा 267 सरूप गायब ने, ते इक श्रोमणी कमेटी दे प्रधान दा मौजूदा पीए जिहदे हथ च बड़ी ताकत है, वह कहता जी कि श्रोमणी कमेटी यह मानती नहीं हैगी कि 267 सरूप जिहड़े ने वह गायब ने, यह तो कमलजीत सिंह कहता, तो सानू यह समझ नहीं आती कि कमलजीत सिंह को कमला हो गया। फिर जे तुहाडे सिस्टम दे विचों सरूप गायब नहीं, तो तुहाडियां लिखतां बाहर आ गई कि बाज सिंह नां दे अधिकारी नूं 9 लख रुपया जुर्माना 2014 के करीब दे विच होया, कि उन्हां दे उत्ते भी यह इल्जाम सी कि उन्होंने भी इस जगह के उत्ते छेड़छाड़ की। सो खालसा जी, ये हालांकि भाई रणजीत सिंह जी ने बड़े तत्थां दे नाल सारी गल सामने रख दी, मैं ये बयान बतौर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैंबर, इकला मैं नहीं, जिन्नी साडी टीम है, जिन्ने साडे, क्योंकि मैं एक एक का नाँ लैण लग्या, किसी का नाँ रह जू, मेरे लिए सारी सत्कारयोग ने, जिन्हें भी 10 तो 15 मैंबर पिछले 3 सालों तो असीं डट के खड़े हैं, ये बयान मैं उन्हां सारिआं वल्लों, पंथक अकाली लहर वालों, हलका फतेहगढ़ साहब की यह शहादत दी उस महान धरती तो यह दे रहा, और बिल्कुल मैं कह रहा कि यह जांच के उत्ते हुण सानू कोई भरोसा नहीं रहा, जदों एक हैल्पर नूं ही, और वह भी एक अपना निजी बंदा, जिदों तुसीं जिहड़ा कुछ मर्जी लिखा लो तो उन्हूं जांच दे दित्ती, इहदे ते पर्दा पैणा है, इहदी बिल्कुल तैयारी जिहड़ी आ उह कर ली गई है, ते बाकी असीं आउण वाले समें दे विच इस गल दी उड़ीक दे विच रहांगे। पुल्ला चुक्का दी खिमा जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜੂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ।
सिर्फ 5,000 प्रति महीना किश्त दे के बनो आलीशान कोठियां दे मालक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए तुरंत किते जाएंगे वापस। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो जीके ग्रुप दे नाल। जीके ग्रुप हर व्यक्ति दे सुपने करेगा साकार ते जीवन विच आएगी नवी बहार। वधेरे जानकारी लई तुसी भी निकलो घरां चो बाहर ते संपर्क करो इस नंबर ते जीके ग्रुप दे नाल। नंबर नोट करो 9855100070। जीके ग्रुप सरहंद रोड पटियाला।